में बीकानेर की सब्जी मंडी प्रशासन भी हर संभव प्रयास कर रहा है। बीकानेर सब्जी मंडी में इस वायरस से लड़ने के लिए मिस्ट सैनिटाइजर का उपयोग किया जा रहा है। मिस्ट सैनिटाइजर को मंडी के मुख्य द्वार के बाहर रखा गया है। जो भी गाड़ी या व्यक्ति वहां पर पहुंचते हैं सब्जी खरीदने के लिए, पंखे की मदद से उन्हें सैनिटाइज कर दिया जाता है। नॉन स्टॉप चलने वाला ये पंखा, जिसमें सोडियम हाइपोक्लोराइट का मिश्रण डालते हुए मिस्ट फेंकी जा रही है। इसी तरह बीकानेर की फल सब्जी मंडी में जगह जगह छिड़काव हो रहा है। मंडी प्रशासन के कुछ लोग और मंडी व्यापार एसोसिएशन के कुछ लोग मिलकर यहां पर छिड़काव कर रहे हैं। फल सब्जी मंडी के अधिकारी बताते हैं कि राज्य सरकार का आदेश है कि मंडी खुली रखनी है और बीकानेर में फल सब्जी की व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए मंडी का चलना ज्यादा जरूरी है। मंडी एक ऐसा स्थान होता है जहाँ से खाने पीने की चीज़ सब जगह जाती है पर कंज्यूमर तक पहुँचती है, तो यहाँ विशेष रूप से सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना पड़ता है ताकि एक जगह से दूसरी जगह किसी प्रकार का वायरस, कोरोना, अन्य कोई भी चीज़ जो ट्रांसमिट नहीं हो। तो इसको मद्देनज़र हमने जो ही गेट पर आते हैं तो गेट एंट्री होते हैं तो उनको सैनिटाइज करके हाथ हैंड वॉश करवाना, और एक नवाचार के रूप में हमने मिस्ट फैन लगाए हैं जिसमें वो सैनिटाइजर भर के वो चलते रहते हैं ताकि टेम्पू, टैक्सी, गाड़ियां जो भी आती है वो बराबर सैनिटाइज होकर के अंदर आती है। बीकानेर फल सब्जी मंडी में जो रिटेलर्स बैठे हैं परचून पे, वो थड़ी लगा के बैठे हैं, वो अभी तक क्या पास पास बैठे हुए थे, तो उनको क्या बीच में 10-10 फुट का गैप कर दिया। 10 बाई 10 पे एक आदमी, एक दुकानदार बैठा है, उसमें 10 बाई 10 बीच में खाली छुड़वा दी, दूसरे 10 बाई 10 में दूसरे को बिठा दिया। ऐसे करके व्यवस्था कर दी ताकि कस्टमर खड़े भी हों तो उनको स्पेस मिल जाए, सभी तरफ से स्पेस मिल जाए उनको, ताकि भीड़ भी ना हो और दुकानदार भी दूर दूर होंगे तभी तो स्पेस मिलेगा। तो ये व्यवस्था सब्जी मंडी में जो रिटेल वाले हैं उनको बिल्कुल करवा दिए। उस पर और जानकारी के साथ बीकानेर से संवाददाता केके सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। केके सिंह, बिल्कुल ये कहा जाए कि इस तरह के इंतजाम बहुत जरूरी हैं, तो किस तरह का इसका प्रभाव देखा जा रहा है? जी देखिए, अब तक इस तरह के जो सैनिटाइज करने के लिए कई उपाय किए जाते थे, लेकिन ये एक नवाचार देखा जा रहा है कि जो पंखों के द्वारा यानी मिस्ट धुंध फैलाकर और उससे सैनिटाइज करना, जिससे ये फायदा माना जा रहा है कि मंडी में जो भी कोई व्यक्ति आता है उस व्यक्ति को भी सैनिटाइज हो जाता है और उसके अलावा वहां पे जो आने वाली जो गाड़ी होती है उसको भी सैनिटाइज कर दिया जाता है। तो कुल मिला के एक ज्यादा बेनिफिट वाला वर्क माना जा रहा है इस सैनिटाइज को, और अपने आप में एक अलग से नवाचार माना जा रहा है ये। जैसे कि अरविंद मेहता हैं यहाँ के जो मर्चेंट के अध्यक्ष हैं वो, और यहाँ के जो अधिकारी हैं सीएल स्वामी, उनका दोनों का एक अच्छा प्रयास है। सीएल स्वामी का खासतौर पर कहें, ज्यादा बड़ा प्रयास कहा जा सकता है, और इस प्रयास के चलते ये भी कहा जा सकता है कि आने वाले समय में अति रिलीफ की उम्मीद है। हाँ, ये बात जरूर है कि मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की जो स्थिति है वो आज भी भयावह बनी हुई है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया।